भाइयों आपके कमेंट पे, आपके डिमांड पे मिक्स फूड पार्ट 2 आ चुका है। तो भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो भाइयों मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन। नमस्कार भाइयों, इंडियन एनिमल हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाइयों ये है बाजरा और गेहूँ। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और भाइयों डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। भाइयों यह है सरसों, इसको भी मिलाना है। भाइयों ये 5 रुपये का एक पैकेट आता है हमारे यहाँ पे। भाइयों देखिए ये डाल दी मैंने इसके अंदर। तो भाइयों 5 रुपये का हमारे यहाँ पे एक पैकेट आता है। आपके वहाँ पे जैसे आता हो किलो के हिसाब से आपको वैसे ले लेना है। भाइयों मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि आपको कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। भाइयों तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो भाइयों मैंने मिला दिया है इसमें सरसों, बाजरा और गेहूं। तो भाइयों मैं अपने हाथ से अभी मिक्स करके देख रहा हूँ, इसे मिक्स कर रहा हूँ मैं, अभी आपको दिखाऊँगा। तो भाइयों मैं इसे पहले मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। ये देखिए भाइयों ये 3 चीज़ हमारी मिक्स हो चुकी है। तो भाइयों आपको चौथी चीज़ लेनी है काले चने। जी हाँ भाइयों उसे कहते हैं काले चने। तो भाइयों मैंने डाल दिए काले चने इसके अंदर। भाइयों आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि कौन सा सामान कितना लेना है। तो भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको सामानों की फ़ोटो भी शो हो जाएगी, चने की, सरसों की और गेहूं और बाजरे की। तो भाइयों मैं पहले मिक्स कर लेता हूँ इसे अच्छे से। तो भाइयों मिक्स करने के बाद, भाइयों उस डिब्बे के अंदर मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने एक परात ले ली है। तो मैं आपको परात के अंदर मिक्स करके दिखाऊंगा पूरा अच्छे से एकदम। तो भाई ये देखो आपको ऐसे मिक्स कर लेना है। बड़ी सी कोई सी भी आप बड़ी चीज़ ले सकते हैं, कोई सी भी चीज़ हो उसमें चल जाएगा। ये देखिए भाइयों ऐसे मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए भाइयों ये ऐसा है। तो भाई पहले इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आप अपने जोड़े वाले कबूतरों को खिलाएं भाइयों, बच्चे वाले कबूतरों को, बहुत बढ़िया बच्चे बनेंगे भाइयों इससे, और आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं काले चने थोड़े और ऐड कर रहा हूँ, मुझे कम लग रहे हैं। तो भाई मैंने काले चने ऐड कर दिए और भाई मुझे इसमें गेहूं भी कम लग रहा है तो मैं इसमें गेहूं भी ऐड कर रहा हूं। आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, तो आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। भाइयों ये चने मैं और डाल लेता हूँ थोड़े से। तो भाई चने डालने के बाद इसको आपको अच्छे से मिला लेना है। इसको मिक्स करके भाइयों आपको किसी भी अच्छे से डिब्बे उब्बे के अंदर रख लेना है ताकि इसमें पानी वानी ना जाए। और भाइयों ये हमारा गेहूं और बाजरा ही गंदा था इसलिए हमने उन दोनों चीज़ को धोया था, हमारे चने और सरसों एकदम साफ़ है भाइयों। तो दोस्तों अभी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाइयों नीचे के लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल में घंटी का आइकन आएगा भाइयों उसे भी दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर भाइयों लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो भाइयों वीडियो मस्त अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। और आपके कमेंट पे भाइयों वीडियो बन रही है, आपको कमेंट भी शो होते रहेंगे सारे के सारे जिस जिस भाई ने हमें कमेंट किए थे। दोस्तों मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो ये भाइयों मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो भाइयों अब ये मिक्स हो चुका है सही से एकदम, मैं इसको भर लेता हूँ डिब्बे के अंदर। तो भाइयों आपको किसी भी कटोरी, गिलास, आपको जौन सी चीज़ से कम्फर्टेबल लगे आप उससे भर लीजिए, और आपको जिस चीज़ में लगे कि मैं इसमें बना सकता हूँ आप ज़मीन पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों इसको मैं पूरा भर लेता हूँ। भरने के बाद भाइयों आपको करना क्या है, इसको पहले अच्छे से भर लें भाइयों, तब तो मैं उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो भाइयों पहले आप भर लें किसी की मदद से चाहे अपने आप। तो भाइयों ये देख सकते हैं मैंने पूरा भर लिया है। ये देखने में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ऊपर से। इसमें देखिए भाइयों बाजरा, गेहूँ, सरसों पूरा एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है, और चने। भाइयों आप इसमें मक्का भी मिला सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है, आप ऐड कर सकते हैं। और भाइयों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और लाल कलर का नीचे बटन होगा उसको दबा देना भाइयों, सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना भाइयों।